महोरा और पचगांव में रालोद के उपाध्यक्ष जयंत चौधरी आयोजित नुक्कड़ सभा को संबोधित करने पहुंचे, जहां उन्होंने विरोधी पार्टियों पर जमकर निशाना साधा। चुनाव की तारीखें घोषित होते ही सभी राजनीतिक पार्टियां अपना दमखम दिखाने को मैदान में उतर चुकी हैं और हर कोई अपनी रणनीति बनाने और कार्यकर्ताओं में जोश भरने में जुट गया है। वहीं राष्ट्रीय लोकदल के मुखिया अजीत सिंह के बेटे और मथुरा के पूर्व सांसद जयंत चौधरी आज मथुरा के गांव मगोर्रा और बछगांव पहुंचे, जहां जयंत चौधरी ने रालोद की दो नुक्कड़ सभाओं को संबोधित कर गठबंधन प्रत्याशी कुंवर नरेंद्र सिंह को जिताने के लिए लोगों से अपील की। वहीं विपक्ष पर जमकर निशाना भी साधा। जयंत चौधरी ने अपने भाषणों में गठबंधन को भाजपा द्वारा महामिलावट बोलने पर पलटवार करते हुए कहा कि गठबंधन मिलावट नहीं, एकदम शुद्ध है। देश में लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है, 7 चरणों में चुनाव होने हैं, 23 मई को परिणाम घोषित होंगे। उत्तर प्रदेश में सपा बसपा और राष्ट्रीय लोकदल में गठबंधन हुआ है, जिसमें मथुरा लोकसभा सीट लोकदल के खाते में आई है। सर, आपके द्वारा घोषणा की गई थी, आपकी पार्टी कहां तक गठबंधन चलेगा, क्या क्या मुद्दों पर आपकी पार्टी चुनाव लड़ेगी? देखिए, किसान के मुद्दे हमारे लिए हमेशा प्राथमिकता है। अगली सरकार जो बनेगी किसान के विषय को लेकर अति संवेदनशील और गंभीर होगी और व्यावहारिक काम करेगी। गठबंधन की अगर बात करें, गठबंधन कहां तक चलेगा आपका? गठबंधन मजबूत है। जो गठबंधन के पार्टी के शीर्ष नेतृत्व है, आपस में उनका तालमेल अच्छा है, हमारा एक दूसरे पर विश्वास है और ये बना रहेगा। मैं बछगांव की सरदारी को धन्यवाद देता हूं और आशा करता हूं कि 18 तारीख को समूचा गांव और इसके नगले मजे सब वोट देकर संयुक्त प्रत्याशी लोकदल समर्थित बहुजन समाजवादी समर्थित मुझको वोट देकर भारी बहुमत से जिताएंगे।